हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे सुनील के कपड़े से थालपोस। उसके लिए हम सर्कल काट लेंगे। पहले सुनील का कपड़ा थोड़ा लचीला होता है, सीधा कपड़े पे काटेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने की गुंजाइश है। तो उसके लिए हम पहले पेपर पे काटेंगे। पेपर को ऐसे जैसे मोड़ा होता है वैसे ही मोड़ेंगे। फिर एक बार ऐसे मोड़ेंगे तो फिर जो ये बंद वाला हिस्सा है इसको उठा के एक साइड वाले को ये जो बंद वाले हिस्से हैं इस तरफ करते हुए इसको ऐसे उठाते हुए और उस बंद वाले हिस्से की तरफ मोड़ेंगे। अगर हम खुले वाले हिस्से की तरफ मोड़ देंगे तो हमारा सर्कल दो पीस बन जाएंगे। इसको कीप की तरह ऐसे मोड़ते रहेंगे जैसे मेहंदी के कोन को मोड़ते हैं। तो ऐसे मोड़ेंगे और एक बार और फिर हम ऐसे ही मोड़ देंगे और फिर जितना लंबा आपने लेना है उसके हिसाब से ही आप जितना छोटा बड़ा सर्कल चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं तो यहाँ से काट लें, मीडियम चाहते हैं तो यहाँ से काट लें और छोटा चाहते हैं तो यहाँ से काट लें। वो आपके थाल पोस के साइज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। मीडियम साइज़ का बनाने के लिए हम बिल्कुल इसको यहाँ से सीधा काट देंगे। बिल्कुल सीधा काटने के बाद ये हमारा सर्कल बिल्कुल रेडी है। ये हमारा सर्कल हो गया रेडी। अब हम इसको कपड़े में रखेंगे। ये हमारा कपड़ा है, डार्क कलर का है, लाल कलर और थालपोस इसी लाल ही में अच्छे लगते हैं। लाल हो गए जो डार्क कलर में अच्छे लगते हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया, लाल हो गया, ऑरेंज हो गया। अब इसको हम या तो हम निशान लगा लें पेन वगैरह से या इसको हम हाथ से ही दबाते दबाते ऐसे और इसको सर्कल काट लें। तो आप जैसे या फिर इस पर आल पिन सेट करें, उससे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी और इसको सर्कल में हम काट लेंगे। ये देखिए हमारा सर्कल कट गया है और अब हम इस पे करेंगे सजावट के लिए। यहाँ तो मैं बाहर से तो इसकी लगाऊंगी मैं येलो कलर का। ये कपड़ा है जॉर्जेट में, इसको मैंने लिया है 4.5 इंच की लंबी पट्टी ली है। तो इसको मैं डबल करते हुए इसकी लगाऊंगी झालर, क्योंकि पतला कपड़ा है, सिंगल में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 2 सवा 2 की बच जाएगी और ये इसके साथ अच्छा कलर कम्बिनेशन बन रहा था तो मैंने ये ले लिया डार्क के साथ लाइट का कम्बिनेशन। यहाँ तो इसके साथ ये होल्ड हो जाएगा किनारी। तो फिर हम बीच में ये गोल्डन कलर का घोटा लगाएंगे। ऐसे बड़े बड़े बॉक्स बनाऊंगी मैं इसकी पट्टी के साथ। जैसे एक लगा दिया, इतनी दूरी पे मैं एक और यहाँ लगा दूंगी, फिर यहाँ एक और उसके अंदर हम रखेंगे ये। तो मैं पहले ये लगा लेती हूँ। झालर हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, पहले हम ये घोटा पट्टी लगा लेते हैं। तो इसकी मैं यहाँ से कटिंग करके और कर लेती हूँ सिलाई। फिर आप ये बनने के बाद देखना कैसा लगेगा। तो इसकी तो ये इतनी कटिंग कर ली। अब जितनी दूरी पे हमने अगला रखना है उसकी कटिंग उसी के हिसाब से कर लेंगे। तो इतने गैप में हम रखने वाले हैं तो इसकी इतनी कटिंग कर लेते हैं। ये इसकी इतनी कटिंग और कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम ये यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये हम यहाँ लगा देंगे तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं साथ के साथ।
फिर हम इसी चार ये इस तरफ लगाए हैं तो चार हम इस तरफ लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने ये पट्टी इसकी लगा ली है। अब हम इस पे लगाएंगे ये झालर। झालर के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है तो इसके चारों तरफ चुनोटे डालते हुए और हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे रखेंगे इसको और इसमें चुनोटे डालते हुए ऐसे इसमें कर लेंगे और फिर ये इस तरफ ऐसे चुनोटे डली हुई में दिखेंगी। चुनटे डालते डालते चारों तरफ कर लेंगे इसकी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये झालर लगा ली है और ये हमारा थाल परोस तैयार हो गया। अब इस पर हम थोड़ी सी और सजावट करेंगे। ये बना लगाएंगे गोटे के इस पर हम फूल। ये गोटे के फूल एक को एक छोड़ते हुए हम लगाएंगे ऐसे और बीच में मैं लगाऊंगी छोटे सितारे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरफ हम दोनों सितारे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे एक ये और एक यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे और फिर यहाँ लगा देंगे। बाकी जो बचे हैं उनमें लगाएंगे छोटे सितारे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे सितारे हैं, इसमें दोनों तरफ छेद है सुई के द्वारा, इसमें ये लगा देंगे। अगर ये ही सारे बॉक्स में लगाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो जाएगा भाई, ओवर हो जाएगा लुक। ये देखिए, अगर आपको ये पसंद है तो आप सभी बॉक्स में ये गोटा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोटा हम लगाएंगे। इसके चारों तरफ से लेंगे हम सुई, नीचे से धागा निकाल के और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर चारों तरफ से धागा घुमा देंगे। टाका लगाते हुए ऐसे लेंगे, नीचे ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे और इस तरह से चुगरदा को इसका घुमा देंगे। इस तरह ये गट्टा लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर थाल पोस बिल्कुल तैयार हो गया और एक ये अच्छे साइज़ का बना है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड टाइम लगेगा लेकिन एक बाज़ार से भी अच्छी और टिकाऊ चीज़ बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के बटन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखिए, जो ये काम किया है मैंने सितारे का, ये किया है सुई के द्वारा। ये इस तरफ टाके दिख रहे हैं और अच्छी तरह से वाशेबल है। पूजा की थाली, पार्टी नहीं हुई थी सॉरी, ब्याह शादी में और व्रत त्यौहार में बहुत ही यूज़ आने वाली बहनों का काम की चीज़ है, या घर में होनी चाहिए। तो आप इस तरह से प्यारे प्यारे डिज़ाइन के बना के रख सकते हैं। जैसे ये थाली है और इस पर मैं इसको कवर करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ा सा अगर ऊँचा कुछ सामान है तो एक थाली का ये अच्छे से हो जाएगा और एक सुंदर भी लगेगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको पसंद आए तो ट्राई करना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।